हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटीसी फॉर यू। तो आज हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। ये हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें हमें डेसिमल्स में चेंज करने फ्रॉम एंड सी व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, और ये भी बताने कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम फर्स्ट की। ठीक है, 36 पे अपॉन में दे रखा है 100। तो देखिए, हमें इसको डेसिमल में लिख के आना है। इट मीन्स हमें क्या करना है, 100 में डिवाइड करना है किसका, 36 का। तो देखिए, 36 में 100 की टेबल में 36 नहीं आते, तो हम यहाँ लगाएंगे एक जीरो। ठीक है, तो यहाँ भी लग जाएगा एक जीरो और लगा देंगे पॉइंट। ओके, फिर देखिए, 100 की टेबल में 360 नहीं आता है, पर 300 आता है। कितने टाइम आएगा 300, थ्री टाइम आएगा। ओके, माइनस करने पे 60 रिमाइनिंग रह गया है। ठीक है, तो हम अब देखिए, 100 की टेबल में 600 कितनी बार आता है, सिक्स टाइम आता है, तो ये हो जाएगा 600। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने इसको डेसिमल्स में चेंज कर दिया 0.36। अब देखिए, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, इस एक्सरसाइज में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिस डिवाइड को कंप्लीट होने के बाद जीरो आ जाता है वो टर्मिनेटिंग डिजिट कहलाती है। तो ऐसे पूछा है कि किस टाइप का काइंड बताना, व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इच, कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीन क्या होता है, जिसके लास्ट में जीरो आके पूरा खत्म हो जाता है, जिसमें कोई रिपीट नहीं हो, जैसे ये डिजिट आके रिपीट ना हो रही हो, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा हो, वो जो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं 1/11। तो देखिए, अब 11 का डिवाइड करना है 1 में। ओके, तो देखो 11 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम 0 लगा देंगे। अब देखिए, 11 की टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम लगाएंगे 0, और ये एक और 0 लगाया हमने, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 100 से छोटा टेबल क्या आता है, 11 की टेबल में आता है 99। ओके, तो हम 99 लिख देंगे। फिर माइनस करने पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगेन 0 0 लगाना पड़ेगा, तो दोबारा 9 टाइम क्या आएगा, 99 आएगा। माइनस करेंगे, अगेन 1 बचेगा, अगेन 100 लिखना पड़ेगा, अगेन 0 लगाना पड़ेगा, एक 0 एक्स्ट्रा लगा रहे तो फिर 99। इस टाइप से क्या है, ये सेम चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा ये। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दोबारा 99 आएगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं हमारा आंसर आएगा 0.0। अब रिपीट क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे बार, इसे बार कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जब बार लग जाता है, इसका मतलब जो डिजिट रिपीट हो रही है उन्हीं के ऊपर बार लगता है, तो 090909 इस टाइप से रिपीट होता रहेगा। तो पूछा है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो ये वाला एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसको सिंपल फॉर्म में। 8 की टेबल बोलेंगे 4 टाइम और उसमें ऐड करेंगे 1। 8 4 32 32 + 1 33। 33 + 8, ये छोटी सी चीज़ हम मिक्स फ्रैक्शन क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हम मैंने यहाँ डिटेल में नहीं बताया आपको, बिकॉज ये हर इजीली हर स्टूडेंट्स कर लेता है। ठीक है, ये हमने सिंपल फॉर्म में इसको लेके आए हैं। अब हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो हम 8 का डिवाइड करेंगे 33 में। ओके, तो देखिए 3 की टेबल में कितने टाइम जाएगा, 8 की टेबल में 33, 4 टाइम 32, माइनस करेंगे 1, 0 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 8 की टेबल में 1 नहीं आता है, 10 कर देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, फिर 8 1 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 1 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, 0 लगा देंगे, अगेन 2 टाइम आएगा 16। ओके, 16 आएगा हमारा 2 टाइम, माइनस करने पे फिर आएगा 4, फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, और 40 से छोटा क्या आता है, तो 8 की टेबल में 40 आता है, 5 टाइम पूरा पूरा आ रहा है, तो यहाँ हमारा डिवाइड हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट की बात चल रहा तो है, ये डेसिमल में चल रहा है, बट कंप्लीट हो गया, नीचे आ गया 0, मतलब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो विच काइंड, ये किस टाइप का है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ, जिस भी डिवाइड में 0 आ जाता है, मतलब टोटल मिला के वो कंप्लीट हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग होगा, और जो रिपीट होता जाता है, जैसे ये है, ये आगे और चलता अभी हम करते तो सेम इसमें रिपीट होता रहता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, और इसमें कंप्लीट हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसी के साथ इसके 3 क्वेश्चंस है, वो आप सेल्फ से करना, क्योंकि वो बिल्कुल ईजी है और इसी पैटर्न पे है, और अगर आपको नहीं आते, उसमें कोई डाउट आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 थे, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इजीली आपको बताएंगे आगे आंसर उनका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो, आप जानते हो दैट 1/7 इक्वल्स टू दी, व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या बता सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, किसका, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, मतलब इन सब का जब हम डिवाइड करेंगे
विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें डिवीजन करके नहीं बताना है, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, मतलब बिना कैलकुलेशन बिना डिवाइड किए हमें बताना है। मतलब जैसे हमने इसका डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया, वैसे ही हमें बिना डिवाइड किए इनका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए चलते क्वेश्चन पे। 1/7 का वैल्यू हमें दे रखी है 0.142857, ओके। और ये इसका मतलब, ये बार का मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब अगेन जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो दोबारा ये नंबर आएगा। तो हमें ये नंबर 1/7 का दे रखा है। इसी टाइप से हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इन सब का भी हमें ये फाइंड करना है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें डिवीजन नहीं करना है, मतलब हमें डिवाइड करके देखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों इजीली हम इसको बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, अपन इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। तो देखिए 1/7 की वैल्यू हमारे पास है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 2 × 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.142857, है ना। तो इसकी वैल्यू हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 0.2857 14। आप करके देख लेना, सेम डिजिट आएगी, ओके। अगेन इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, 3 × 1/7, क्योंकि 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें ये बोला है इसने ये डिवाइड नहीं करना आपको, ठीक है। तो हम 3 से करेंगे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई, 1/2857 अगेन। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.428571, ओके ठीक है। अब करते हैं हम इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1/7, क्योंकि ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे 4 × इसी नंबर से जो हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी, 2857। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.571428। ये डिवाइड मैंने तो करके देखा है, आप आराम से करके देख सकते हो उसको। अब अपन 5/7 को क्या लिखेंगे, 5/7 को लिखेंगे हम 5 × 1/7, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, ओके। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.714285, ये हमारा आंसर आया अगले नंबर का, ठीक है। अब करेंगे 6 से, तो 6 × 1/7, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 0.857142। तो इस टाइप से हम सारे कर लेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसे हमें p/q की फॉर्म में, मतलब इस बार हमें डेसिमल में दे रखा है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा था, हमें डेसिमल में लेके आना था, और इसमें क्या हमें डेसिमल में दे रखा है, हमें p/q की फॉर्म में। देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर जब हमने ये वाला पढ़ा था तो हमें इस फॉर्म में p/q की फॉर्म में दे रखा था, p/q की फॉर्म में दे रखा था, और हमें इनको लेके किस में आना था, डेसिमल में लेके आना था, इनको डेसिमल फॉर्म में लेके आना था, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से। अब इसी का उल्टा करेंगे हम, हमें आंसर तो दे रखा है डेसिमल में, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब p/q की फॉर्म में लेके आना है। तो इजीली करेंगे, तो देखिए करते हैं। तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको पता ही है कि बार होता है, और ये जितने डिजिट के ऊपर होता है, मतलब ये जिस नंबर पे होता है, इट मींस वही नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे ये 6 के ऊपर है, इसके आगे 0.666 इस टाइप से होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.666 कितने भी 6 आ सकते हैं, मतलब ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो हम मानते हैं एक्स इक्वल्स टू 0.6, सबसे पहले जो नंबर हमें दे रखा है उसको हम मानते हैं एक्स के इक्वल, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखिए रिपीट कितना नंबर हो रहा है, रिपीट एक नंबर हो रहा है ना 6, तो जो रिपीटिंग नंबर है, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, एक रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स में करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो इसको करेंगे जब एक्स को, तो 10x हो जाएगा, और इसको करेंगे 0.666 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, और इधर हो जाएगा 6.666, मतलब डेसिमल में एक नंबर आगे चले जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ओके। तो हम करेंगे 10x, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, 10x माइनस x, और इधर 6.666 माइनस 0.666, ओके। तो देखिए 10x में से 1x गया 9x, और देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ करके,
इस टाइप से हमारे पास नंबर है 0.666, तो ये सारे तो आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है, 000, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6, ठीक है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6, ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6/9, और ये दोनों किस टेबल में आती है, 3 की टेबल में आती है, 3 2 6 और 3 3 9, तो ये हमारा हो गया डैश, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमारा आंसर हो गया, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 0.47, इट मीन्स इसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार, इट मीन्स रिपीट क्या हो रहा है, ओनली 7 7 7 होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.777, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए कितने डिजिट पे है, एक डिजिट पे ना बार, बार जितने डिजिट पे होता है उतने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बार एक डिजिट पे है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 4.777, ओके, इक्वेशन 2, तो अगेन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x, ओके, और इधर हो जाएगा 4.777 माइनस 0.0.477, ठीक है, तो अब हम करेंगे, यहां हो जाएगा 9x और यहां पे क्या होगा 4.3, करके देख लेना आप, रफली मैं आपको बता देती हूँ, 4.777 का डिवाइड माइनस कर रहे हैं 777, ठीक है, ये 7 इससे कट जाएगा, ये 7 इससे कट जाएगा, 7 में से ये कटेगा 3 आ जाएगा और 0.4, तो ये आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है। अब देखिए x इक्वल्स टू क्या आएगा 4.3 और ये आ जाएगा 9। अब इसका जब पॉइंट हटाएंगे, तो देखिए जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई बाय नीचे डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 43 और ये हो जाएगा 10, इट मीन्स 43/90, तो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आंसर आया 43/90, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.3 डिजिट पे है, यहाँ पे 3 डिजिट पे बार, इट मीन्स ये रिपीट हो रहा है 001, अगेन 001, इस टाइप से रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन के लिखेंगे हम 0.001001, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। अब इक्वेशन 2, जितने डिजिट पे बार होता है उतना, तो 3 डिजिट पे मतलब इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें 3 डिजिट है इसलिए बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड हम कर रहे हैं इसको 1000 से, तो इधर तो हो जाएगा 1000x, ओके, और इधर क्या होगा 1000 से करेंगे तो 1.3 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा 001001 रिपीट होता जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, अगेन वही प्रोसेस है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x माइनस x, और इधर करेंगे 1.00001001 माइनस ये वाला 0.001001, ठीक है, तो अब हमारे पास इधर तो आ जाएगी 1000 में से 1 काटेंगे, 1000x में से तो 999, और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, बिकॉज ये पीछे का पूरा इस पीछे के पूरे से कैंसिल और नीचे बच जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 1/999, तो ये हमारा हो जाएगा p अपॉन q की फॉर्म में आंसर, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, x प्लीज 0.999 रिपीटिंग है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इसको भी हमें इसी फॉर्म में लिखना है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, कि जब हमारे पास जो आंसर आएंगे उससे हम सरप्राइज होंगे, डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट, तो हमें अपने जो आंसर आया उसको लेके हमें अपने टीचर और अपने इस क्लासमेट से डिस्कस करना है, why the answers make sense, कि हमारा जो आंसर है वो क्या सेंस करता है, ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन की बात, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 0.999, मतलब रिपीट क्या हो रहा है, 9 हो रहा है ना, तो हम इसे कह सकते हैं 0.9 का बार लिख सकते हैं हम इसे इजीली, ठीक है, तो हम x इक्वल्स टू मान लेंगे 0.999, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब कितने डिजिट के बार, कितने डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे, मतलब रिपीटिंग डिजिट एक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 9.999, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 10x माइनस x और इधर हो जाएगा 9.999 माइनस 0.999, तो यहाँ पे तो जाएगा 9x और देखिए 9.999 और 0.999, ये तो आपस में कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 9, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 9, ओके। तो देखिए x इक्वल्स टू क्या आएगा 9/9, दोनों कटेंगे 1, तो सरप्राइजिंग आंसर क्या है, 1 आया है, ये सरप्राइजिंग आंसर इसलिए है क्योंकि जब हम 9 में देखिए बार, देखिए किसी भी
आपने देखा होगा हमने जो भी क्वेश्चन, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन फाइंड किया था तो 6 था, तो इसका आंसर क्या था, जब हमने 12 हटाया था तो 6/9 आया था, है ना। और यहाँ पे देखिए, मतलब जिस भी नंबर के बाद में जब हम 12 हटाते हैं तो सबके डिवाइड में नीचे 9 ही आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी देखिए, नीचे डिवाइड में 9 ही आ रहा है, इस क्वेश्चन में 9 9 9 ही आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी हम 12 हटाते हैं, किसी 1 2 9 तक के नंबर में कोई 12 हटाते हैं, जैसे 12 6 था उसको हटाया हमने तो हमारे पास 6/9 आया। उसी टाइम से जब हम 12 9 हटाएंगे तो हमारे पास 9/9 सरप्राइजिंग आंसर ये आएगा हमारे पास। कि जब भी ये हम, ये एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का कि जब भी ऊपर कोई बार का डिजिट होता है तो वो उस हम उस हमें वो बार हटाना होता है तो हम डिवाइड बाय 9 करते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।